शर्मा की वजह से चली जाती ऋषभ पंत की कप्तानी। मुंबई इंडियंस ने बचाई ऋषभ पंत की कप्तानी। ऋषभ पंत को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया मुंबई इंडियंस ने। ये नुकसान उन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद के कप्तान रोहित शर्मा ही देते। क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों नुकसान पहुंचाने वाले थे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत को मुंबई ने कैसे बचा लिया या डूबती हुई नैया ऋषभ पंत की, बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल ऑक्शन का टाइम है, अभी 19 तारीख को ऑक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेड विंडो ओपन कर दी गई और ट्रेड विंडो में सबसे बड़ा धमाका करा मुंबई इंडियंस ने, जिन्होंने अपने कप्तान को ही कप्तानी से हटा दिया, जिन्होंने भारतीय कप्तान को कप्तानी से हटा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कमान संभाल रहे थे पिछले बहुत टाइम से और अपनी टीम को 5 बार चैंपियन भी बना चुके थे। मुंबई इंडियंस अब तक की आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक है। हालांकि अब सीएसके भी 5 नंबर पर आ गई है, यानी 5 खिताब जीत चुके हैं, लेकिन मुंबई का जो दर्जा, जो औहदा है, वो मुंबई का ही है, वो कोई और टीम नहीं ले सकती। जो फैन बेस है मुंबई का, बहुत ज्यादा विशाल का है फैन बेस है। लेकिन सबको चौंका दिया था मुंबई ने जब कप्तान को हटाया और हार्दिक पांड्या को दोबारा से लेके आए और कप्तानी सौंप दी। बहुत लोग भड़क गए थे इस चीज पर, लोगों ने जर्सियां जलाई, कैप जलाई मुंबई इंडियंस की, लोग ट्रोल कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को सोशल मीडिया पर। लेकिन इसी के चलते आपको बता दें कि ऋषभ पंत की भैया जान बच गई। दरअसल जब से ही ये बातचीत चल रही थी, जब से ट्रेड विंडो ओपन हो गई थी, ये बातचीत चल रही थी कि रोहित शर्मा को हटा देंगे कप्तानी से, पांड्या को ले आएंगे कप्तानी में मुंबई इंडियंस की, जब से बातचीत चल रही थी, तो भाई दिल्ली कैपिटल्स ने भी एक दाव खेलना चाहा। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस से रिक्वेस्ट की कि आप हमें मुंबई इंडियंस में, हम मतलब जो रोहित शर्मा है वो हमको दे दीजिए, ट्रेड कर लीजिए, हमको दे दीजिए, मतलब मुंबई को रोहित शर्मा को रिलीज कर दीजिए और हमको रोहित शर्मा को ट्रेड कर दीजिए, ताकि हम रोहित को अपने खेमे में ले आए। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर नहीं लाना चाहती थी, बल्कि दिल्ली का कप्तान बनाना चाहती थी, क्योंकि अगर रोहित शर्मा किसी टीम में आएंगे तो जाहिर सी बात है भैया कप्तानी ही करेंगे। और ऋषभ पंत से पहले दिल्ली कैपिटल्स जो है रोहित शर्मा को ही देख रही थी, तो इसीलिए एक दाव खेलना चाहा दिल्ली ने। लेकिन जो ये जो दाव है वो पूरा उल्टा पड़ गया और मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को रिलीज नहीं करा, रोहित शर्मा को अपने ही खेमे में रहने दिया और कहा हम लोग रोहित शर्मा को नहीं दे रहे। इस वजह से ऋषभ पंत की कप्तानी बच गई। अब अगर रोहित शर्मा कप्तान बनते दिल्ली के, तो ये तो नहीं पता कि ऋषभ पंत खुश होते या दुखी होते, क्योंकि उनकी कप्तानी जरूर चली जाती। लेकिन जो भी हो, रोहित शर्मा अब दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा नहीं होने वाले, क्योंकि ये डील से इनकार कर दिया मुंबई इंडियंस ने। इसीलिए रोहित शर्मा की वजह से ऋषभ पंत की जो कप्तानी जाने वाली थी वो मुंबई इंडियंस ने बचा ली, क्योंकि मुंबई ने रोहित को रिलीज ही नहीं करा। अब आप कमेंट्स करके बताइए ये मजेदार वाक्या कैसा लगा, और क्या अगर रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल्स में आते तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के तौर पर आप रोहित शर्मा को क्या स्वीकार करते, क्या ऋषभ पंत को कप्तानी से हटा के रोहित शर्मा दिल्ली के कप्तान बनते, तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते या नहीं, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए।